दुनिया में लोगों को इंसान बनाकर उतारा, परंतु वह अलग अलग धर्मों में बट गया। इस नगर की पहचान की जाने वाली पवित्र पहाड़ी पर सद्भावना के मेले का यह संदेश पूरी दुनिया में जाता है। इस पावन मेले में सांप्रदायिक एकता का संदेश कविताओं में झलकता हुआ नजर आता है। हास्य एवं व्यंग साहित्य के गागर के दो बूंदे हैं। व्यंग तीर का काम करता है जो बुराई को भेद कर अच्छाई का सबक सिखाता है। हास्य व्यंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ हास्य ही हो व्यंग ना हो तो वह कविता नहीं होती। व्यंग हास्य का मर्म है। उक्त बातें पीरान पीर शीतला माता मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में पधारे अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संजय झाला राजस्थान से खास चर्चा में कही। झाला ने आगे कहा कि साहित्य के क्षेत्र में पिछले 30 सालों से अपनी कविताओं का पाठ कर रहा हूं। चार पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। झाला को पिछले दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रमादित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। वहीं कवि सम्मेलन में आए कवियत्री अनुसपन ने कहा कि कविता समाज का दर्पण होती है और कवि की जुबान से निकली हुई हर कविता समाज के दिल को छूती है। वह समाज के रहने वालों के मन में बस जाती है। वर्तमान दौर में लड़कियों के साथ जो हैवानियत हो रही है वह चिंतनीय है, को लेकर भी मैंने कविताओं के माध्यम से कहने की कोशिश की है। उक्त बात ने कवि सम्मेलन में पायदारी कवियत्री अनुसपन ने चर्चा करते हुए कही। साथ ही उन्होंने मोबाइल को इस हैवानियत के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि मोबाइल में इंटरनेट का डाटा सस्ता होने से युवाओं के हाथों में मोबाइल का दुरुपयोग हद से ज्यादा हो गया है। उसी के चलते गंदी मानसिकता पनपने लगी है और समाज को इससे दूर करने का काम साहित्य और कविता के माध्यम से ही किया जा सकता है। वर्तमान में कवियों को सिर्फ हंसी मजाक के लिए ही बुलाया जाता है। ये सब टीवी के कार्यक्रमों के चलते है। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि लाली शर्मा, मेला समिति अध्यक्ष विजय सिंह चौहान, जयचंद्र आजी मौजूद रहे। भोलेनाथ, आप तो उसी नगरी से हैं और मैं व्यंग के बारे में अगर कहूं कि हास्य अगर शिव है तो व्यंग उसकी शक्ति है। दोनों एक दूसरे के बिना आधे अधूरे हैं, जैसे शिव और शक्ति। हास्य का काम है प्रस्फुटित करना, रोमांचित करना, उल्लसित करना। वो भाव जो आपके मन में संचित पड़ा हुआ रहता है, अवसर पाते ही वो सजग हो जाता है, हास्य का भाव। और व्यंग का काम है जो समाज में विसंगतियां हैं, कुरीतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, विसंगतियां हैं, उनको निरूपित करना। ये मूलतः व्यंग का काम है। तो व्यंग का एक बड़ा काम है कि वो ध्वंस के साथ है, वो कल्याण की कामना करता है, जो भगवान भोलेनाथ का मूल मंत्र है। तो भारत का मूल मंत्र है सद्भावना। और आप गीता में भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम। ये मुसलमान और हिंदू की बात तो आप और हम कर रहे हैं, आप और हम बता रहे हैं। भगवान तो खुद कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। मैंने गुण और कर्मों के आधार पर यह सब कुछ बनाया है। ईश्वर ने तो कोई जाति बना की भेजी नहीं है। ममई वांशो जीवलोके सर्वभूते सनातना। वो चाहे मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है या ईसाई है। और ये सबसे बड़ी बात है, अगर ये सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द के लिए ये मेला आयोजित किया जा रहा है, इससे बड़ा कोई यज्ञ इस दुनिया में, समाज में कोई हो नहीं सकता। ठीक, थैंक यू। कविता का उद्देश्य है वो जनरंजन होना चाहिए, मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन जन कल्याण उसमें निहित होना चाहिए। अगर दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं तो कविता और काव्य तत्व तो सार्थक होता है। अगर हम केवल हंसाने के लिए बात करेंगे, उसमें कोई मैसेज नहीं देंगे। और जहां तक बात आपने की कि वो युग की विसंगतियों को, तो जैसे पात्र होते हैं वैसा लेखन होता है, वैसे चरित्र होते हैं, वैसा निरूपण होता है। अब आप देखिए, मैं कहूँ कि तुलसीदास जी को भगवान राम जैसा पात्र उस काल में लिखने के लिए मिला, ठीक है। वेदव्यास जी को भगवान कृष्ण जैसा पात्र उस युग में लिखे। अब हमारे सामने ये राम रहीम और आसाराम है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। जैसे पात्र हैं वैसी वैसी कविताएं होंगी। बहुत अच्छी आपने बात कही है और ये बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। मैं तो हमेशा नारी प्रधान रचनाएं लिखी है मैंने, और नारी प्रधान रचनाएं ही मंच पर प्रस्तुत करती हूँ। मेरी थोड़ी बहुत जो भी पहचान बनी है इन 25 वर्ष में या 27 वर्ष में, वो नारी को लेकर बनी है। मैंने आज से 25 वर्ष पहले बेटियों को लेकर मैंने एक गज़ल कही थी जो बड़ी मशहूर हुई और उसको लोगों ने बहुत सराखों पर लिया, और मुझे जो छोटा मोटा मेरा नाम मिला मुझे उसी से मिला, बेटियाँ करके मेरी कविता थी। इसके बाद मैंने नारी अस्मिता को लेकर एक गीत लिखा, और आज मैं आपके मंच पर जो पढ़ने वाली हूँ, जो आपने जिक्र किया है कि जो हमारी नन्ही मुन्नी छोटी छोटी कोपले हैं, बच्चियां हैं, 3 साल 2 साल 4 साल की बच्चियां, उनके साथ इस तरह के जो कृत्य हो रहे हैं, घृणित कृत्य हो रहे हैं, उस पर मैंने एक गीत लिखा है, मैं आज वो सुनाऊंगी। और ये ऐसा होना नहीं चाहिए हमारे समाज के अंदर। हमको हमारे समाज में जो हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनका दृष्टिकोण बदलना चाहिए। हमें इसके लिए कोई बड़ा मिशन गठित करना चाहिए जिससे कि इस तरह की घटनाएँ ना हों।